पुराना खतरा फिर लौट कर आया है, क्या फिर से ये तबाही लाया है? प्रशासन की तैयारियां कितनी पुख्ता है? खतरे को रोकने के लिए लोग कितने जागरूक हैं? ये सब सवाल हिमाचल के लिए इन दिनों जरूरी है, क्योंकि यहाँ कोरोना ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। मार्च महीने में कोरोना गर्मी के पारे की तरह बढ़ रहा है, प्रदेश में लोग तेजी से इसकी जद में आ रहे हैं। 24 घंटे में 255 नए कोरोना के केस मिले, प्रदेश में कोरोना के 755 एक्टिव मरीज मिले हैं। 24 घंटे में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत हो गई। कांगड़ा में 65 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हुई है। मार्च महीने में कोरोना से 4 लोगों की जान गई। एक दिन में कोरोना के 4,267 टेस्ट किए गए। इस खतरे को तो आप पहचानते ही हैं, एक बार फिर उसके बचाव के तरीके को दोहराना होगा। सार्वजनिक जगहों पर हमेशा मास्क पहने, छींकते और खांसते समय नाक और मुंह को ढके, भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरी जरूर बनाए रखें, बार बार हाथ साबुन से धोएं, बुखार सांस लेने में मुश्किल खांसी होने पर डॉक्टर को दिखाएं, कोविड वैक्सीन की बूस्टर खुराक लें, अपने हाथों से अपनी आंख नाक और मुंह को छूने से बचें, सार्वजनिक जगहों पर ना थूकें, कोरोना के लक्षण दिखने पर कोविड की जांच करवाएं। हिमाचल के स्वास्थ्य मंत्री ने भी लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है और लोगों को भरोसा दिलाया है कि स्वास्थ्य विभाग इस कोरोना से निपटने के लिए मुस्तैदी से जुटा है। मामले बढ़ रहे हैं, वैसे कोई चिंता का विषय नहीं, क्योंकि मैं लगातार इस लाइन पे रहता हूं और इसको हम बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। सबको निर्देश दिए गए, PHC, CHC, ऑल द हॉस्पिटल, हर एक ब्लॉक और पूरे स्तर पर, कि भाई अब जहाँ भी भीड़ वाले इलाके में जाएंगे हाथ भी धोने हैं, नाक को और आँख को फालतू नहीं छूना है, और जैसे पहले एहतियात थे वैसे ही बरतने हैं। सब लोगों को बताते बताते समय लग जाता है, तब कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। और कभी कभी तो मुझे याद है जब बड़ी ऊंचाई पर चला गया था कोरोना, तो नीचे से लोग आते थे और वो बिना मास्क पहने, तो मैंने पूरे 5-6 पुलिस वाले लिए, फिर उनको राउंड अप किया। ऐसा भी बताना पड़ेगा लोगों, क्योंकि अब अगर बढ़े ना मामले, चलिए प्रयास तो करना होगा। तो स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य जो विभाग है वो बहुत अलर्ट है इसके बारे में, और निर्देश सबको दे दी जा चुकी। मैं चाहता हूँ कि सब लोग इसका एहतियात को बरतें। प्रदेश में कोरोना के आंकड़े हर दिन तेजी से बढ़ रहे हैं, ये रफ्तार समय रहते नहीं थमी तो खतरा बड़ा और जानलेवा हो सकता है। इसीलिए जरूरी है कि स्वास्थ्य विभाग की कोशिशों को कारगर बनाने के लिए लोग सावधानी बरतें। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।